बिग बॉस आ गए हैं अभी, ओटीटी क्या तैयारी होगी आपकी? फाड़ू फाड़ू फाड़ू, सलमान भाई ने ओटीटी लॉन्च कर दिया है जियो पे, अब हिंदुस्तान का नंबर वन शो बिग बॉस ही है और कोई शो है ही नहीं। लेकिन एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, मिया खलीफा आ रही है, क्या आप खोलेंगे उसमें? तलवार कौन सी तलवार? मिया खलीफा जो आ रही है, हाँ तो आपकी एंट्री होगी इसमें, क्या लगता है आपको? तो मैं आपको मिया खलीफा लगती हूँ? मिया खलीफा भी आ रही है तो क्या वो लेंगे उसको? हाईलाइट वही होगा ये बात। नहीं, मैंने आपने मुझे कब ये लॉलीपॉप वगैरह खाते हुए देखा है? आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि मैं मियां खलीफा हूँ? क्या रिएक्शन आपका? देखिए, आप पहली बात मेरी बात सुनिए, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद। ये बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें अलग अलग कंट्री से अलग अलग कंट्रोवर्शियल पीपल को लाया जाता है और इन सब को, अब मैं आज बता दूं, मियां खलीफा के इतनी फैन फॉलोइंग्स है, इतनी फैन फॉलोइंग्स है, लड़कियां कम लड़के ज्यादा है, 99% तू मत देख इधर। सो बहुत सारे, एंड देखिए उसमें अभिनेत्रियां भी होंगे, मेल फीमेल टेलीविजन, ये जितने भी लोग हैं, सलमान खान किसी भी फालतू लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे। सलमान खान जो है बहुत सोच समझ के ये शो को पकड़ा हुआ है, होस्ट कर रहे, सलमान खान से अच्छा ये शो कोई होस्ट कर ही नहीं सकता है, और ये बिग बॉस चल ही रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान। अगर सलमान खान हट जाते हैं तो बिग बॉस नहीं है। राखी जी, क्या आप मराठी बिग बॉस को होस्ट करना पसंद करेंगे? मैं तो हिंदी को भी होस्ट करूं, लेकिन जो सलमान खान दे सकते हैं शायद वो मैं ना दे पाऊं। मेरे भी बहुत ही फैन फॉलोइंग्स है, लेकिन जो सलमान खान वो इंसान है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र निकाल कर वो जहाँ पैर रख दे वहीं पर सोने के पहाड़ आ जाते हैं। कभी छुट्टी लेते ना सलमान सर, उस दिन आप जाएंगे क्या? तो आपको क्या प्रॉब्लम है वो छुट्टी लेते हैं तो? अरे वो छुट्टी ले, जब ओटीटी का पहला सीजन आया था तब आप स्पाइडरमैन बन के गए जी। मैं जब बहुत ही गर्व की बात ये है कि जब फर्स्ट ओटीटी आया था ऑन बिग बॉस, तो फर्स्ट मुझे चुना गया था, मैंने उसका अच्छा अलग तरीके से स्पाइडर विमेन बन के मैंने इसे स्पाइडरमैन हंची फुंची स्पाइडरमैन हुर्रे, ये मेरा काफ़ी फेमस हो गया था कॉमेडी में, तो लोगों ने इसे बहुत सराहा था ओटीटी बिग बॉस। एंड जब जब तक बिग बॉस है राखी सावंत हमेशा दिखेगी, जब जब बिग बॉस को राखी सावंत की ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा किसी की भी बजाने के लिए खड़ी हो जाएगी।